तक हमने जो पढ़ा वो 1944 तक पढ़ा, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसमें 1948 से, देखिए 1944 से लेकर के और 1948 का जो डिफरेंस आता है उसमें एक काम हो गया क्या, हमारा जो भारत है वो आज़ाद हो गया। और जब भारत आज़ाद हो गया तो इसका मतलब कि भारत की ज़रूरतें बदल गई, ठीक है। भारत की अब ज़रूरतें क्या होंगी वो भारतीयों के अकॉर्डिंग रहेंगे, और जो जो दूसरे देश हैं जो भारत के नेबर कंट्रीज हैं या फिर पूरा विश्व की अगर बात करूं भारत को छोड़ करके, तो उनके साथ एक कंपटीशन जैसी कंडीशन हमारे पास आ जाएगी कि हमें उन लोगों से कंपटीशन करना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी एजुकेशन पॉलिसीज रहेंगी, हमारा विश्वविद्यालय उसके अकॉर्डिंग ही डेवलप होगा। तो इसको देख करके सबसे पहले 1948 में डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया, और इसमें कहा गया कि भाई जो भी कमियां अब तक थी, कब तक, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में जो भी कमियां थी हमारी एजुकेशन पॉलिसी में, या फिर उन्होंने, क्योंकि उन्होंने तो अपने अनुसार, अपने मतलब के अनुसार डेवलप की थी एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन अब हमें क्या चाहिए था, हमारी ज़रूरतों के अनुसार एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए कि हमारे स्टूडेंट क्या सीखना चाहते हैं, हमारे स्टूडेंट्स की ज़रूरतें क्या हैं, हमारे स्टूडेंट्स आगे कैसे बढ़ेंगे, हमें दूसरे देशों से जो कंपटीशन करना होगा उस कंपटीशन में हम उनके बराबर कैसे आएंगे या फिर उनसे आगे कैसे निकलेंगे, हमें ये सब चीज़ों की अब ज़रूरत थी। तो इसके लिए हमें हमारी ज़रूरत को, हमारी संस्कृति को, हमारे नीड को समझते हुए पॉलिसी बनानी थी। तो डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में पॉलिसी बनाई गई। उसके बाद थोड़ा समय और बदला, क्योंकि 1948 तक तो ये था कि भाई हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन भी डेवलप नहीं हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन पे भी काम चल रहा था, एक वर्क चल रहा था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पे भी काम चल रहा है और हमने एक पॉलिसी बना दी। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन चुका है तब क्या होगा, तो फिर उसको देखते हुए, क्योंकि कोई भी पॉलिसी होगी वो समय तक ही कार्य कर पाएगी, जैसे जैसे टाइम बदलेगा, मान लीजिए कि आज की जो कंडीशन है, आज की हम कब है, इस टाइम 2018 में हम हैं, वो 2018 तक जो भी पॉलिसी चल रही है वो चलेंगी, लेकिन आने वाले 10 सालों में, मैं 2028 की बात करता हूँ, क्या आने वाले 10 साल में हमारा समाज क्या यहीं पर रहेगा, वो कितना आगे बढ़ चुका होगा, कितनी प्रगति कर चुका होगा, तो प्रगति के अनुसार ही हमारी पॉलिसी बनाई जाएंगी। जो पॉलिसी आज चल रही है, हालांकि वो आज के हिसाब से सफिशिएंट है भी और नहीं भी हो सकती, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो आने वाले 10 सालों के लिए भी सफिशिएंट हो, क्या पता हमारी जरूरतें बदल जाए। आज हम एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो हमारी पॉलिसी में एंड्रॉयड मोबाइल है, क्योंकि हम जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हम डिजिटल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में क्या आपने कभी सोचा था कि आप एक मोबाइल पे, टीवी पे बैठ करके अपना एजुकेशन ले सकेंगे, घर बैठे आप एक को एजुकेशन मिल रही है, ऐसा आपने सोचा था नहीं ना, लेकिन आज वो चीज़ आ रही है। लेकिन आने वाले समय में और भी चीज़ें बदलेंगी, तो एजुकेशन पॉलिसी में भी चेंजेस होंगे, और एजुकेशन जो पॉलिसी होती है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है किसी भी समाज की प्रगति में, ठीक। तो उसके अनुसार ही 1964 में डॉक्टर डी एस कोठारी कमीशन बनाए गए, कोठारी जी जो थे डॉक्टर डी एस कोठारी, वो अध्यक्ष थे किसके, अखिल भारतीय शिक्षा आयोग के। अब देखिए पहले वाला जो शिक्षा आयोग बना था 1948 में वो अखिल भारतीय विश्वविद्यालय आयोग था, और अब बना है अखिल भारतीय शिक्षा आयोग, ठीक है। तो उनमें फर्क है, एक जो आयोग कार्य कर रहा है वो किस पे कर रहा है, वो विश्वविद्यालयों पर ध्यान दे रहा है, और अब यहाँ पे क्या है कि पूरे भारत के एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक। अब मैं आपको छोटा सा भी दिखाता हूँ, देखिए आज के अगर कंडीशन में करूँगा, मैं एकदम बिल्कुल अप्रॉक्स डाटा लेकर चल रहा हूँ, ऐसा नहीं फिक्स डाटा मैं लेकर चल रहा हूँ, फैक्चुअल फ्लेक्सिबल डाटा मैं लेकर चल रहा हूँ आपके सामने। अगर मैं बात करूँ तो विश्वविद्यालय की तकरीबन 351, ये थोड़ा ज़्यादा भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ कम भी हो सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा ही होंगे, कम तो नहीं होंगे, तो तकरीबन 351 विश्वविद्यालय हमारे भारत में हैं, जिसमें आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय, देखिए विश्वविद्यालयों में कैटेगरी बांट सकता हूँ मैं तीन, एक आपका होगा केंद्रीय विश्वविद्यालय, दूसरा हो गया आपका राज्य विश्वविद्यालय, और तीसरा हो गया आपका विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं। पहले समझते हैं है क्या चीज़, तीन पार्ट में डिवाइड किया है क्या, क्यों डिवाइड किया गया है। देखिए अगर हम सोचिए कि पूरा एजुकेशन सिस्टम को अगर हम किसी एक के ऊपर डिपेंड कर दें, कैसे,
मान लीजिए हम इन चीज़ों को हटा देते हैं, ये जो राज्य मैंने लिखा है इसको हटा देते हैं, ठीक। अब क्या होगा कि राज्य हट गया तो जो सेंटर है, सेंटर जो गवर्नमेंट है वही सब चलाने लग जाएगी। अब पूरे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सारे कॉलेज चलाएगी तो ये पॉसिबल हो पाएगा? और कैसे पॉसिबल? क्योंकि देखिए जो राज्य होता है, स्टेट होता है, राज्य में भाषाई आधार ज़्यादा महत्व रखता है। क्योंकि अब मान लीजिए कि नॉर्थ का साइड है आपका, यूपी है, ठीक है, आपका बिहार है और एमपी है, ये जो साइड है यहाँ पे हिंदी आपकी मान लीजिए बोली जा रही है, लेकिन क्या अगर तमिलनाडु को आप हिंदी में शिक्षा दें तो संभव है? मुश्किल है, ठीक। अब वहाँ तो हिंदी समझेंगे नहीं लोग बात। तो क्या होगा कि भाई जो राज्य सरकारें होंगी, यानी कि तमिलनाडु जो गवर्नमेंट होगी वही अपनी सरकार को, अपने एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट कर पाएगी। लेकिन फिर भी एक सेंट्रल कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि लोगों को जिनको इच्छा है पढ़ने की उनको तो मिलना चाहिए ना पढ़ने के लिए। कि भाई कुछ लोग होते जो हिंदी जानना चाहते हैं जाने, कुछ लोग होते जो इंग्लिश जानना चाहते हैं जाने, तो उनके हिसाब से ये कॉलेजों में ये जो विश्वविद्यालय हमारे डिवाइड किए गए। तो जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसको चलाने का पूरा जो कार्य होगा, मतलब कार्य में क्या क्या आएगा आपका, कार्य में हम कई कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो आगे आपकी आ गई पॉलिसी, कि पॉलिसी क्या बनेगी, ठीक है, फंड जो होगा, और आपका जो एजुकेशन में जो प्रोफेसर्स होंगे, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में जो लेक्चरार होंगे वो, जिसको हम रिक्रूटमेंट भी बोल सकते हैं, साथ के साथ में जो एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, ये सब का जो कार्य करेंगे ये केंद्र स्तर पर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होगा सब कुछ ये। उसी अकॉर्डिंग अगर हम देखें राज्य विश्वविद्यालय क्या है, राज्य अपने अंदर के विश्वविद्यालयों की बात करेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई स्टेट में है विश्वविद्यालय, ठीक है, अब जिस पर्टिकुलर स्टेट में है वो स्टेट गवर्नमेंट इसमें पूरा फंड देगी, फंड वो देगी, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम उसका होगा कि भाई किस प्रकार से एजुकेशन लेनी है, राज्य भाषा को कितना महत्व देना है। हमारे देश में कितनी राज्य भाषाएं जो रजिस्टर्ड हैं उनके अनुसार भी ये चीज़ हो सकती है कि भाई किस राज्य भाषा को कितना महत्व देना है, कौन सी राज्य भाषा पढ़ाई जानी चाहिए, उसके साथ में क्या जोड़ा जाए, क्या हटाया जाए, पाठ्यक्रम क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब चीज़ों पर यहाँ ध्यान दिया जाएगा। और कुछ होती है विश्वविद्यालय संस्थाएँ बन जाती हैं। संस्थाएँ कैसे बनती हैं? देखिए जैसे पहले जमाने में क्या चलता था, गुरुकुल चलते थे, मदरसा चलती थी, लेकिन आज उन सब चीज़ों को हटा दिया गया। जैसे आज अब क्या है कि कोई पर्टिकुलर धर्म है, ठीक है, आप उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए बौद्ध धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, ठीक है, जिन्हें हम अल्पसंख्यक भी कहते हैं, तो वो लोग जो है अपने अनुसार कुछ संस्थाएँ बना सकते हैं, ठीक। और वो जो संस्थाएँ बनाएंगे, विश्वविद्यालय बनाएंगे, उसमें वो एजुकेशन प्रमोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई उनको कोई गवर्नमेंट जैसे बोलेगी वैसे एजुकेशन प्रमोट करना है। हाँ, हालांकि वो कोई इल्लीगल एक्टिविटी उसके अंदर नहीं कर सकते, ठीक है, करना उनको कानून के अंतर्गत ही है, लेकिन वो एजुकेशन प्रमोट कर सकते हैं, ऐसी संस्थाएं बन जाती है। और आपने बहुत सारे देखे होंगे संस्थाएं कि कुछ स्पेशल संस्थाएं बन गई, ठीक है, मैं एग्जांपल भी यहाँ नहीं दूंगा क्योंकि ऐसी बहुत सारी संस्था बन जाती हैं, क्योंकि मैं किसी का एग्जाम्पल दे करके आपको ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर पे फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक। तो इस प्रकार से, और फिर अगला आपको चलता है डीम विश्वविद्यालय, और डीम विश्वविद्यालय हमारे तकरीबन 130 विश्वविद्यालय इसके अंदर आते हैं। ये भी एक ऐसे प्रकार के हैं कि भाई जिसमें एक हायर एजुकेशन को तो प्रमोट किया जाता है, लेकिन उसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को हम पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते, स्टेट गवर्नमेंट को पूरी तरह से हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते उसमें। तो ये सिस्टम आपका चलता है डीम विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो ये था हमारा अभी ओवरव्यू एक कि एजुकेशन सिस्टम क्या है। इसमें अब आगे पढ़ते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या नए नए चेंजेस आए, ठीक है, और क्या क्या होने चाहिए उनको हम पढ़ते हैं अब।